नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के चुराटा पुलिस ने रीवा सतना हाईवे पर घेराबंदी कर गांजे की खेप पकड़ी है। मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई फिलहाल जारी है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की सफारी कार में सतना से रीवा की ओर गांजे की खेप लाई जा रही है, जिसके बाद चुराटा थाना प्रभारी सृजन सिंह राजपूत को स्टाफ के साथ घेराबंदी कर पकड़ने के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा रीवा सतना हाईवे पर घेराबंदी कर सफारी गाड़ी को रोक कर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें गांजा रखा पाया गया। वहीं वाहन चला रहे एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि पकड़ा गया आरोपी सिमरिया थाना क्षेत्र के बीरखाम का निवासी है, जो गांजे की खेप अपने गांव लेकर जा रहा था। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से तकरीबन 3 लाख कीमती 27 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये आज दिनांक ADG सर, DIG सर और SP सर के मार्गदर्शन और निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई की गई है चुराटा पुलिस द्वारा, और साथ में इसमें साइबर की टीम भी थी, जिसमें से हमें 27 किलो गांजा बरामद हुआ है और जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। और इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, आरोपी एक ही है जिसको गिरफ्तार किया गया है, और ये गाड़ी से गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। ये ग्राम अगडाल के पास पकड़ा गया है, और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से गांजा की खेप लेकर और यहाँ बहुरी बांध गांव का रहने वाला है, तो यहाँ पर इसका सप्लाई करने वाला था। और इसी पर से जैसे ही हमें मुखबिर से सूचना मिली, तत्काल घेराबंदी की गई, सारी टीम्स एक्टिव हुई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में। इसके बाद जैसे ही यह पहुंचा तो इसको तत्काल पकड़ा गया और इस पर कार्रवाई की गई है। साथ ही इसकी सफ़ेद कलर की सफारी लग्जरी कार भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। इसके पूर्व के अभी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, इसके संबंध में जाँच की जा रही है, और अभी पूछताछ में जो चीज़ें इनिशियल स्टेज पर सामने आई है, तो अभी कुछ टाइम पहले से ही इसने ये धंधा करना स्टार्ट किया है। इसके जो अन्य साथी हैं वो जेल चले गए हैं, जिस कारण से इसके द्वारा इस धंधे में इन्वॉल्व होना बताया गया है। और साथ ही इसको नंबर वगैरह मिले थे छत्तीसगढ़ से, जहां से गांजा की खेप सप्लाई होती है, तो इसने कॉन्टेक्ट करके वहां से फिर गांजा लाना बताया है। ये गांजा अपने गाँव लेकर जा रहा था, बहुरी बांध का रहने वाला है, वहीं से इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था।